नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। आई होप सब बढ़िया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है ये कार। जी दोस्तों, और ये बहुत ही बजट में आएगी ये कार, और बजट के लिए परफेक्ट रहेगी ये कार। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये मैं एंड में बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे और देखे मेरे सारा स्पेसिफिकेशन, और एंड में देखे इसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जी दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइस से। तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7 लाख टू 7.50 के अराउंड में, और ये गोज़ अप टू 12 टू 13 लाख। जी दोस्तों, ये 7-7.5 लाख से स्टार्ट होती है और ये जाती है 12 से 13 लाख के अंदर टॉप एंड वेरिएंट में। जी दोस्तों, तो चलिए अब इसके बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन में ये दो ऑप्शन प्रोवाइड करती है। पहला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आती है, जिसकी पावर जनरेट करती है 89 एचपी की, और टॉर्क इसकी है 113 Nm की। एंड सेकंड की बात करें तो 1 लीटर की वो टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि पावर जनरेट करेगी 97 एचपी की, एंड टॉर्क जनरेट करेगी 147 Nm की। एंड मैं बता दूं, पेट्रोल जो 1.2 लीटर की है इंजन है, वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और 5 स्पीड AMT के साथ आती है। एंड जो सेकंड वन है वो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो वो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है। जी दोस्तों, अब इसकी बात करें एक्सटीरियर की, ओवरऑल गाड़ी दिखने में बहुत ही मस्कुलर और स्टाइलिश है। जी दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितना ही बड़ा इसमें ग्रिल दिया गया है, बिल्कुल ग्रैंड विटारा की तरह। आप अगर आगे से देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे ये ग्रैंड विटारा है या फिर फ्रॉन्क्स है। तो आपको पहले तो आप देखोगे तो लगेगा कि आपको ये ग्रैंड विटारा ही है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिया है। इसकी हेडलैम्प वगैरह सब सेम टू सेम है। जी दोस्तों, अब बात करें इसकी बैक की, तो बैक की भी बहुत ही स्टाइलिश है और थोड़ा स्पॉर्टी और मस्कुलर लुक भी पीछे से, इसकी बैक भी वैसे ही है, थोड़ी मस्कुलिन टाइप में लगेगी। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड इसकी बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको डिसेंट इनफ मिलती है, लाइक 308 लीटर की है इसकी बूट स्पेस मिलती है। एंड हम बात करें इसकी इंटीरियर की, तो इंटीरियर गाड़ी की बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी इंटीरियर है, और आपको थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ी थोड़ी लग्जरी फील दिलाएगी। और इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको फुल्ली एनालॉग मिलेगी, और इसकी जो मीड में जो इसकी जो स्पेस है वो आपको डिजिटली मिलेगी, उसमें आपको सारा चीज़ माइलेज वगैरह दिखेगी। बात करें इसकी टच स्क्रीन की, तो इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन जो है वो 9 इंचेस की प्रोवाइड की गई है, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी मिली गई है वायरलेस, और आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी प्रोवाइड की गई है। इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा बेटर क्लियरिटी के साथ प्रोवाइड की गई है। जी दोस्तों, अब इसकी बात करें ओवरऑल सेफ्टी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी सेम टू सेम वैसा ही है, कोई वैसा इन्हेंस नहीं की गई है, थोड़ी बहुत ही इम्प्रूव की गई है। और मैं बता दूं आपको कि ये कार जो है वो बेलिनो हैचबैक बेस्ड है, उस पर बेस्ड है, और ब्रेजा पे थोड़ा बहुत मैच करती है। तो आप अगर ब्रेजा और बेलिनो के बीच में अगर कोई कार खोज रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है। और मैं बता दूं कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, और आपको अगर बड़ी कार चाहिए तो फ्रॉन्क्स बेटर है। जी दोस्तों, अब बिल्ड क्वालिटी का मैं बात किया हूँ, तो अब बात करता हूँ सेफ्टी का। सेफ्टी आपको प्रोवाइड की गई है ESP, हील होल्ड असिस्ट, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रिक रेयर डिफॉगर, ऑल 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिली है, ऑटो डीमिंग IRVM मिली हुई है, ISOFIX चाइल्ड सीट भी दी गई है इसमें। जी दोस्तों, ये सब सारी तो आप सेफ्टी की वजह से थोड़ी सी गाड़ी में जान आती है, थोड़ी सी आपको लगती है कि थोड़ी गाड़ी सेफ रहेगी। एंड बात करें इसकी सीट कंफर्टेबल की, तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि सीट कंफर्टेबल डिसेंट है, नॉट टू मच बेटर है, बट ठीक है, कंफर्टेबल है। और इसमें मैं यही बोलूँगा कि इसमें जो थाई स्पेस है वो आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। जी दोस्तों, ओवरऑल गाड़ी में बोलूँ तो बजट में बेस्ट है, और मैं मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको ये कार लेनी है तो आप ले सकते हो, ब्लाइंडली ले सकते हो। अगर आपको आपके लिए बिल्ड क्वालिटी मैटर नहीं करती है और आपको थोड़ी सी डिसेंट फीचर्स चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी बजट में अच्छी कार विथ मस्कुलर कार आपको मिलेगी, और चलने में थोड़ी सी रोड में प्रेजेंस दिखाएगी, ऐसी लुक है इस कार की बाहर से। और इंटीरियर में सेफ्टी में आपको थोड़ा सा लैक महसूस होगा,
लेकिन आप ले सकते हो। और बात करूँ मैं बेलिनो बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है, तो मैं बोलूँगा ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो फिर आप ये गाड़ी ले सकते हो, अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा हैचबैक टाइप में कार चाहिए तो आप फिर बेलिनो पे जा सकते हो। बट मैं बोलूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसा ही और भी कार के बारे में जानकारी चाहिए या फिर बेलिनो के ऊपर एक स्पेसिफिकेशन चाहिए अलग से, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा और स्पेसिफिकेशन वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सबको मेरा जय श्री राम।